Good afternoon. Welcome to our show, The Great Talk. I'm Dr. Mohammad Rafiq Farooqi, Editor-in-Chief, CA Media Group. Today, we are going to have conversation with the Honorable Technical Advisor, Shri Shotal Shastar of Climate Change Department, Gandhinagar, Gujarat. Sir, I would like to welcome you in our show. And I am equally indebted for the opportunity to speak with us. First of all, I would like to know your introduction and the introduction of your prestigious department. First of all, thank you, Rafiq ji, for your kind words. I am equally happy to be in conversation with you today. So, my name is Shvetal Shah. I am working as technical advisor in the Climate Change Department of Government of Gujarat since last 8 years, and I am in the field of environment management and climate change since last around 14 years, since 2008. Great. So I did my master's from Forest Research Institute, Dehradun, a very prestigious institute of Government of India, working in the field of forestry and environment sector. I also have M.Tech in energy management. So this education background has given me an edge to work in the field of climate policy, and I am happy that since last several years I am engaged with very day-to-day activities of climate change department. This department of climate change was established in the year 2009 by the then Chief Minister and now Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, with a vision to give climate action a priority at sub-national level. Climate change, as we all know, is a global issue. ये एक वैश्विक समस्या है, जिसका समाधान जो है, वो हमें हर एक देश को लेने की आवश्यकता है, विश्व के तमाम इकोनॉमीज को इसमें इन्वॉल्व होने की आवश्यकता है. और ये चीज़ हमने अलग अलग मौक़ों पे देखा कि ये रेट करा गया. अगर हम 97 के क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें, या 2015 के पेरिस एग्रीमेंट की बात करें, या रिसेंटली कंक्लूडेड ग्लासगो COP26 की बात करें, तो हर एक तबके पे हमें ये मार्गदर्शन मिला कि क्लाइमेट चेंज एक हमारी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, और इस विषय पे हम सब लोगों को साथ में आके एक निर्णयात्मक काम करने की ज़रूरत है. तो इसी मुद्दे को, इसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हमारे जो लीडरशिप है, उन्होंने इस दिशा में बहुत ही अच्छे अच्छे पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाए और इसको इम्प्लीमेंट भी किया, जिसमें हम बात करते हैं नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की, जो भारत सरकार ने 2008 में पब्लिश किया था, और उसी के तहत अलग अलग सेक्टर में, इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स जो है, इसमें क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करने की आवश्यकता है, और इसके ऊपर काम करने की मार्गदर्शिका भारत सरकार ने हमें दी. फिर इसी के अंडर हमने स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज सभी राज्यों ने बनाया, गुजरात ने भी बनाया, और गुजरात ने तो 2009 से लेके बहुत सारी रिन्यूएबल एनर्जी की पॉलिसीज बनाई. इवन विंड पॉलिसी जो है, वो तो हमारी 90s से दशक से चल रही है. और गुजरात ऐसा राज्य है कि जहाँ विंड और सोलर जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की बहुत सारी संभावनाएं है. एब्सोल्युटली, वी हैव 1600 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन, वी हैव ह्यूज लैंड विच इज बैरन लैंड और नॉन एग्रीकल्चर वेस्ट लैंड, कि जहाँ अच्छी सोलर इरेडिएशन होती है. तो ये सभी एनवायरमेंटल फीचर्स, और अपना अगर हम बोले कि जियोग्राफिकल पोजिशनिंग है गुजरात की, तो इससे हम बहुत अच्छी मात्रा में रिन्यूएबल एनर्जी की संभावनाएं, पोटेंशियल रखते हैं. तो इसी को हार्नेस करने के लिए वक्त वक्त पे, समय समय पे हमारी सरकार ने पॉलिसीज अनाउंस की, और इसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छा रहा, और हम जो है वो आज की तारीख में करीब 15 गीगावाट
इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पर पहुंचे हैं, हमारी जो संभावना है वो तो इससे काफ़ी अधिक है। अगर गुजरात की ही अगर हम सिर्फ बात करें तो करीब करीब एज वन एस्टिमेट द पोटेंशियल ऑफ गुजरात इटसेल्फ इज 170 गीगावाट। और आने वाले समय में पूरे भारत ने 500 गीगावाट का जो लक्ष्य रखा है तो इसमें भी गुजरात का कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा विंड सोलर हाइब्रिड पार्क कच्छ जिले में आ रहा है, 30 गीगावाट का सिंगल लोकेशन। तो ये बड़े प्रोजेक्ट्स की बात हुई। और अगर हम सोलर के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स की भी बात करें तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो लगे हुए हैं रेसिडेंशियल सेक्टर में और कमर्शियल बिल्डिंग्स पे। तो करीब 3.5 लाख मकानों पर गुजरात में सोलर रूफटॉप लगाया गया है। सो वंडरफुल, यू हैव एलैबोरेटेड राइट फ्रॉम द टॉप टू बॉटम इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर। अच्छा, एक हसमुख भाई, ये फैन ये एसी ऑन टू प्रोसीड। नाउ आई वुड लाइक टू नो, सिंस यू हैव टेकन अ लॉट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन योर शोल्डर, definitely your department has a vision. I would like to know for the viewers, what are the plans and how do you make a strategy to implement those strategies and plans in your projects to succeed? जैसे हमने पहले बताया तो climate change is a phenomena. It is not a single subject कि हम सिर्फ एक ही department या एक ही organization climate change के क्षेत्र में काम करें तो हम जो चाहते हैं वो लक्ष्यांकों को हासिल करना हम अचीव कर सकते हैं। हमने पेरिस एग्रीमेंट के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आल्सो अनाउंस्ड नेशनली डिटरमिंड कंट्रीब्यूशंस। तो हमने हमारे राष्ट्रीय जो कंट्रीब्यूशन के लक्ष्यांक से मतलब कि जो हमारे टारगेट है वो हमने पेरिस एग्रीमेंट के तहत यूएन को सबमिट किए हैं। तो इसमें भी हमने मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी की बात करी है। इसमें भी हमने ये बात की है कि बहुत सारे विषयों पे हम काम कर रहे हैं और हम काम करना चाहते हैं। तो जैसे कि एग्रीकल्चर है, वाटर रिसोर्सेज है, बायोडाइवर्सिटी है, अर्बन डेवलपमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, फिर हमारे दूसरे ट्रांसपोर्ट के मेकेनिज्म है, रेल रोड, तो इसको भी हम कैसे सस्टेनेबल बना सके। करेक्ट। फिर बायोडाइवर्सिटी और फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट है, मैंग्रोव है, तो कार्बन सिंक को भी हमें बढ़ाना है और हमें जो कार्बन के एमिशन है उसको भी कम करना है। और हमारे जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ है हमें उनके लिए भी काम करना है, क्योंकि इंडिया में आज की डेट में बहुत सारे कम्युनिटीज़ है कि जो क्लाइमेट चेंज से प्रभावित होते हैं, वल्नरेबल है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज वी सी दैट देयर इज एन इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी एज वेल एज इंटेंसिटी ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड, साइक्लोन, ड्रॉट। तो हम ये सभी विषय पे साथ में काम करें, इसके लिए हमने गुजरात ने मतलब पहले से ये कोशिश की है कि हम एक्टिविटीज़ को डाउटेल करें, सभी डिपार्टमेंट की जो प्लान है, उनका जो बजट है, उनके जो एक्शंस है, करेक्ट, इसमें हम क्लाइमेट चेंज को भी एक इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी दे। तो 2016 से अगर मैं बात करूँ तो हमारे क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट ने सभी लाइन डिपार्टमेंट जो गुजरात सरकार के है, करेक्ट, उनको बताया कि आप लोग भी अपने बजट में क्लाइमेट चेंज रिलेटेड एक्टिविटीज़ का प्रोविज़न करें। और फिर हमने ये एक्टिविटी को भी हाईलाइट करना शुरू किया। फिर हमारी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो गाइडलाइंस है यूनाइटेड नेशन की SDG 2030 की, तो इसमें भी क्लाइमेट एक्शन को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो हमने इसके माध्यम से भी ये कोशिश की है कि हम सभी क्षेत्रों में जो हमारे विकास की जो संभावनाएं है उसको एक्सप्लोर ऐसे वे में करें कि नेचुरल रिसोर्सेज पे उसका जो बर्डन है या उसका नेगेटिव इम्प्लिकेशंस कम से कम हो। तो गुजरात सरकार की ये जो पहल है उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और हमने इसी दिशा में अपना स्टेट एक्शन प्लान को भी डेवलप किया है। तो करीब 100 जैसी ऐसी पॉलिसीज़ है और प्रोग्राम्स है कि जिससे
क्लाइमेट चेंज एडप्टेशन और मिटिगेशन की डायरेक्शन में गुजरात में काम हो रहा है, और जैसे मैंने बताया कि इट इज रेंजिंग फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज. अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूँ तो हमने अभी नेचुरल फार्मिंग, फर्टिलाइजर के कम इस्तेमाल को शुरू किया है करना. फिर आपने देखा कि नीम कोटेड यूरिया जो है वो गुजरात की पहल है, फिर उसको पूरे राष्ट्र में इम्प्लीमेंट किया गया. फिर ऐसे ही माइक्रो इरिगेशन है कि जिसमें हम पानी का बचाव करते हुए हम कैसे एग्रीकल्चर में अच्छा प्रोडक्शन हासिल करें. तो सिमिलरली वाटर सेक्टर में भी बहुत अच्छा काम हुआ है गुजरात में. नर्मदा आधारित जो हमारी कैनाल नेटवर्क है उससे हमने पेयजल को सभी गांवों तक पहुंचाने के लिए कोशिश की है. तो इतना वाटर डिप्राइव्ड स्टेट होने के बावजूद गुजरात ने ग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन करने में एक अच्छी सफलता अगर हासिल की है तो इसके पीछे हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव वाटर मैनेजमेंट का प्लान है वो रहा है. तो क्लाइमेट चेंज के प्रभाव से भी वाटर के रिसोर्सेज के ऊपर असर हो रही है. सभी रिवर बेसिन के ऊपर अगर आप क्लाइमेट मॉडल्स का एनालिसिस और जो साइंटिफिक डोमेन में पब्लिश्ड जो वर्क है इसको हम देखें तो IIT गांधीनगर और इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिपोर्ट्स में भी ये बताया गया है कि हमारी सभी रिवर बेसिन को क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इम्पैक्ट्स होने वाली है और हो भी रही है. करेक्ट. तो इस समय में अगर हम ऐसी स्ट्रेटेजीज को अपनाए कि जिससे सरफेस बेस्ड वाटर को हम मैक्सिमम कंजर्व करें, जो रेन वाटर की वजह से जो हमें पानी उपलब्ध होता है इसको हम अच्छे से मैनेज करें तो हम इसमें काफ़ी अच्छे से हम अपने जनता तक अपना जो वाटर का डिमांड है इसको हम फुलफिल कर सकते हैं. तो एग्रीकल्चर वाटर आर वेरी इम्पोर्टेंट और इसके ऊपर आधारित बहुत सारे दूसरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जैसे एनिमल हस्बेंड्री है. तो फिर गोबर भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा एनिमल का पॉपुलेशन है तो गोबर भी मिलता है. तो हमने बायोगैस प्लांट और गोबर से अगर हम कैसे फर्टिलाइजर और सॉइल एनहांसमेंट के लिए हम जो इनपुट दे सके तो इसके ऊपर भी हमने कोशिश की है और हमने गुजरात ने काम किया है. और भी इस दिशा में आगे भी संभावना रही है कि इसमें हम और काम कर सकेंगे. बट मैं ये आपको थोड़े बेसिक एग्जांपल्स बता रहा हूँ. सिमिलरली अगर हम एनर्जी साइड की बात करें तो हमने जो अपना डिपेंडेंस है थर्मल एनर्जी का या कन्वेंशनल एनर्जी का उसको भी कम किया है. जो हमारी नई एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोत्साहन देने की राज्य सरकार ने एक कोशिश की है. तो हमारा जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी हमने 24/7 एनर्जी एक्सेस भी हर एक हाउस होल्ड लेवल पे दिया है. फिर आपने जैसे देखा होगा कि LED बल्ब जैसे इनिशिएटिव लेते हुए हमने एनर्जी कंजर्वेशन पे भी काफ़ी भार दिया है. और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की मदद से हम जो हाउस होल्ड लेवल पे स्टार रेटेड अप्लायंसेज है या एनर्जी एफिशेंट इक्विपमेंट्स है उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं. एग्रीकल्चर में भी जो वाटर पम्प है उसको भी हमने सोलर आधारित करने के लिए पहले सूर्य शक्ति किसान योजना स्काई स्कीम की थी और अभी उसको हमने कुसुम जो भारत सरकार की योजना है इसमें मर्ज करके इसको हमने बढ़ावा देने की कोशिश की है. तो जैसे आपने बताया कि मल्टी डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ इस दिशा में हो रही है. फिर अपना जो क्रिमेटोरिया है तो उसमें भी जो शमशान भट्टी है वहाँ भी बहुत अग्निदाह के लिए लकड़ी की ज़रूरत होती है. तो इसमें भी हमने एक ऐसी डिज़ाइन बनाई है इम्प्रूव्ड क्रिमेटोरिया की कि जिससे लकड़ी की खपत कम हो और कम लकड़ी के यूज से हम जो अपना अंतिम संस्कार का जो रिचुअल है उसको कर सके. तो इसके लिए भी हमने कोशिश की है और हमने करीब 6,000-7,000 गाँव में ऐसी एकदम नॉमिनल रेट पे फंडिंग करके स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग से ये प्रोवाइड की है जिसको हम इम्प्रूव क्रिमेटोरिया बोलते हैं. ग्रेट, वंडरफुल टू नो ऑल दिस इंफॉर्मेशन. आगे बढ़ते हैं सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स पे आपने डिस्कशन किया
और उसमें जो प्राइम फोकस जो है अभी रिन्यूएबल एनर्जी है। तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपसे व्यूअर्स के लिए कि फ्यूचर के जो प्रोजेक्ट्स आपका डिपार्टमेंट करना चाहता है तो वो प्रोजेक्ट्स पे आप थोड़ा हाईलाइट करिए। व्हाट आर द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स ऑफ योर डिपार्टमेंट? मतलब जो भारत सरकार की प्रायोरिटी है और जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने पंचामृत का जो हमें विजन दिया है ड्यूरिंग हिज एड्रेस टू एंटायर वर्ल्ड इन द ग्लासगो 26 प्लेटफॉर्म, तो ये पंचामृत में हमने दो तीन इम्पोर्टेंट वैसे पांच महत्व की बातें की है। इसमें से तीन जो बातें हैं वो एनर्जी एफिशिएंसी और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर है। तो हम हमारी जो जीडीपी है उसका जो एमिशन इंटेंसिटी है इसको हम 2030 तक 45% कम करेंगे 2005 लेवल से। तो ये एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है कि हम अपना इकोनॉमी को ग्रो करना चाहेंगे, क्योंकि हिस्टोरिकल जो एमिशन हुआ है वो वेस्टर्न वर्ल्ड की वजह से हुआ है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड की जिम्मेवारियां ज्यादा है क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने में, बट हम भी अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हट रहे। हम भी बहुत लाउडली एंड क्लियरली हम कह रहे हैं कि हम विकास की ऐसी दिशा को पकड़ना चाह रहे हैं कि जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो और सस्टेनेबल हो और इंक्लूसिव हो, और इट शुड बी प्रो पुअर, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की अगर असर होती है किसी के ऊपर तो वो सबसे पहले पुअर पीपल के ऊपर होती है। तो अगर हम उनको एम्पावर करेंगे, उनके जो लाइफस्टाइल है और उनका जो लाइवलीहुड है अगर हम उनको अच्छे से सिक्योर करेंगे तो हम दूसरे किस्म के जो भी एक्सटर्नल एक्सटर्नलिटीज आएगी, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो इसको हम टैकल कर पाएंगे। फिर हमने एक इम्पोर्टेंट बात करी है कि 500 गीगावाट वी विल इंक्रीज अवर रिन्यूएबल एनर्जी टैली टू 500 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो इसमें भी जो जिम्मेवारी गुजरात को मिलेगी तो वो गुजरात करेगा, और आई एम श्योर कि 50 गीगावाट तो गुजरात की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी में अगले 3 से 5 साल में होने वाली है। तो ये एक अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन होने वाला है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स इन पाइपलाइन है इसमें नो डाउट भारत सरकार के भी है और गुजरात सरकार के भी है, बट एज अ स्टेट वी आर प्राउड that our state will have an installed capacity of almost 50 gigawatt in coming time. Great. और हमारा जो renewable energy को support करने के लिए जो energy storage है या green hydrogen है, तो इसमें भी हम जो भारत सरकार की guidelines है या जो हमें targets मिल रहे हैं तो उसके मुताबिक हम इसमें भी achieve करेंगे। और बहुत सारे गुजरात में industries है, port sector है, logistic है, तो जहाँ भी थर्मल एनर्जी का यूज़ हो रहा है वहाँ हम ये चाह रहे हैं कि हम कैसे रिन्यूएबल एनर्जी को इवन थर्मल में भी इंट्रोड्यूस करें। तो इस दिशा में जो महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं वो बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं सर, मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो कोविड का हमने फेज देखा अपनी लाइफ में, तो ड्यूरिंग COVID-19 व्हाट वाज योर पर्सनल कंट्रीब्यूशन एंड व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ योर प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट विद रिगार्ड टू COVID-19 एज अ होल? COVID-19 वाज अ ग्लोबल कैलामिटी, राइट? और हमने देखा कि अगर पेंडेमिक ग्लोबल लेवल का आता है तो वो हमारी लाइफ को, हमारे लाइवलीहुड को, पूरे वर्ल्ड को एक ही समय कितना वल्नरेबल बना सकता है। Absolutely. तो बहुत सारे ऐसे लेसन्स है कि जो COVID-19 ने हमको सिखाए। तो इसमें सबसे बड़ा अगर मैं लेसन बताऊं तो हमारे सबके लिए जो एक बहुत बड़ा टेक अवे रहा वो ये रहा कि इम्पोर्टेंस ऑफ कलेक्टिव एक्शन। क्योंकि अगर हम सभी लोग एक ही इशू के लिए जुट जाए और सब लोग साथ में काम करें तो हम इसमें मतलब प्रॉब्लम में से हम बाहर भी निकल सकते हैं। क्योंकि जो प्रॉब्लम हुआ था इसको हम सब लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि इट वाज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर एंटायर वर्ल्ड, बट क्लाइमेट एक्शन के
संदर्भ में अगर मैं COVID-19 की बात करूं तो क्लाइमेट एक्शन में भी ग्लोबल कम्युनिटी का साथ और ग्लोबल कम्युनिटी को साथ आना है जरूरी है। तो COVID-19 ने हमको ये सिखाया कि अगर हम सब लोग एक इशू के ऊपर कलेक्टिवली काम करें तो डेफिनेटली हम इसमें इफेक्टिवली इसको टैकल कर सकते हैं। अगर हम अपने डिपार्टमेंट की बात करें तो COVID-19 के समय में गैदरिंग अलाउड नहीं था, तो हमने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए एक वेबिनार का सीरीज किया और हमने 10 अलग अलग 10 सब्जेक्ट्स के ऊपर एक्सपर्ट्स के वेबिनार रखे, तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो आई वाज हैंडलिंग दिस एंटायर वेबिनार सीरीज, करेक्ट। तो बहुत IIT गांधीनगर, IIM अहमदाबाद, फिर IPCC के एक्सपर्ट, फिर अपने बायोडाइवर्सिटी के एक्सपर्ट, ऐसे अलग अलग एक्सपर्ट्स को हमने बुला के उनके टॉक रखे, करेक्ट। और ये टॉक के माध्यम से हमने बहुत सारे लोगों तक क्लाइमेट एक्शन की बात पहुंचाई। और हमारा जो पूरा वेबिनार सीरीज था उसका भी हमने जो टाइटल है वो COVID-19 लर्निंग ही रखा था कि क्लाइमेट एक्शन के ऊपर हमें क्या लर्निंग मिल सकता है। तो हमें ये अच्छा लगा, फिर हमने COVID-19 के लॉकडाउन के दौरान क्लाइमेट के विषय में 2-3 अच्छे पब्लिकेशंस भी तैयार किए। हमने डॉक्यूमेंटेशन किया कि हमने जो एक्टिविटीज़ है और हमारा जो विज़न है इसको आर्टिकुलेट करने के लिए हमें कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, तो हमने इसके ऊपर पूरा विचार विमर्श करने का हमने कोशिश की। तो ये सब चीज से हमें एक बात पता चली कि आने वाले समय में जो भी इश्यूज है इसको टैकल करने के लिए हमें अभी से रेडी होने की ज़रूरत है। तो हमें इसमें सबसे बड़ा अगर इम्पोर्टेंट रोल किसी का है तो वो टेक्नोलॉजी का है, करेक्ट। तो टेक्नोलॉजी के अच्छे यूज़ के द्वारा हम और लोगों से कनेक्ट करें, हम कंसेंसस बनाए, करेक्ट, कि हमें ये इश्यू पे आगे बढ़ना है। तो हमारा जो प्रधानमंत्री का विजन है आत्मनिर्भर भारत का, तो इसको हमें सफल बनाने के लिए हमें यूथ को मोटिवेट करने की जरूरत है, यूथ को एंगेज करने की जरूरत है। उनके पास बहुत सारे आइडियाज है, राइट। हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसके काफी सॉल्यूशंस है जो हमारे देश में ही है और हमारे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है, हमारे जो पूर्वजों ने जो हमें विचारधारा दी है या हमें जो सिखाया है कि प्रकृति के साथ जो बैलेंस रखते हुए हमें अपना लाइफ को जीना है। तो ये चीज़ को हमने और अच्छे से कोविड के समय में सीखा और रियलाइज किया रादर, एब्सोल्युटली। हमें बहुत बैलेंसिंग की आवश्यकता है, पर प्रकृति का दोहन करके हम कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं। प्रकृति का रक्षण करके हम मानव जात के लिए, और भी बहुत बायोडाइवर्सिटी है पृथ्वी के ऊपर भारत में, तो हम इसको उसका संवर्धन करें, हम उसको और आगे बढ़ाएं, और तो जो नेक्स्ट जनरेशन है इसके लिए हम जो पूरा अपना हेरिटेज है उसको हम पास ऑन कर सकें। वेरी वंडरफुल सर, आगे बढ़ते हैं। हमने क्लाइमेट की बात की, प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की, इंटरनेशनल से लेकर नेशनल लेवल की हमने बात की। अब कुछ व्यक्तिगत क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ताकि व्यूअर्स को ये इंस्पिरेशन मिले कि जो पर्सनालिटी आज हमारे इस टॉक शो द ग्रेट टॉक में आई है, तो उनकी जो प्रेरणा है, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं लाइफ के, उनके बारे में हम जानना चाहते हैं। सो आई वुड लाइक टू नो व्हाट आर योर प्रिंसिपल्स, आपके लाइफ के सिद्धांत क्या है। रफीक जी, अगर मैं बताऊँ तो मैं भी एक हम्बल बैकग्राउंड से आया हूँ जी। तो मेरी परवरिश भी भावनगर करके छोटा टाउन है गुजरात का, इसमें हुई। मेरी जो पूरी स्कूलिंग है वो भी हमारी मातृभाषा वर्नाक्युलर लैंग्वेज गुजराती मीडियम में हुई। एब्सोल्युटली। इवन हमारे जो प्लस टू लेवल तक की जो पढ़ाई है वो गुजराती मीडियम में हुई। फिर मेरे को बहुत बार देश और विदेश में बाहर जाने का मौका मिला। तो हमने हर एक
मौके पे ये चीज महसूस की कि अगर हम कोशिश करेंगे तो हमें जरूर ना जरूर कुछ ना कुछ सफलता मिलेगी। तो फिर हमने अपनी पढ़ाई जो है बैचलर लेवल की अंडर ग्रेजुएशन वो हमने एमएस यूनिवर्सिटी वडोदरा से किया। तो पहली बार मैं अपने परिवार और अपने जो जहाँ हमारी परवरिश हुई वो टाउन से मैं आगे गया और फिर हॉस्टल लाइफ में रहा, फिर मास्टर्स करने के लिए फिर देहरादून गया जी। तो जब वडोदरा में था तो मेरे को गुजरात के और जिलों के बारे में, गुजरात के और जो डिस्ट्रिक्ट्स है और उनके कल्चर है उसके बारे में थोड़ा एक्सपोजर मिला। और जब मैं देहरादून गया मास्टर्स करने के लिए तो मैं एक अकेला गुजराती स्टूडेंट था वहाँ। तो फिर मैं हिंदी और इंग्लिश में लोगों से बात करने सीखा और जो अपने अलग अलग राज्य है, क्योंकि मैं तो मानता हूँ कि इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ सभी के अलग अलग रहन सहन है, खान पान है, तो इन सब के बारे में हमें पता चला। तो ये एक्सपोजर लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा लर्निंग है। तो ये लर्निंग को हमने फिर कंटिन्यू किया और फिर मेरे को 10 बार विदेश जाने का मौका मिला। तो मैंने दूसरी संस्कृतियों को भी देखा और इसमें से भी लर्निंग करने का मौका मिला मेरे को। तो मेरा मोटिवेशन हमेशा यही रहता है कि कुछ करना है हमें। ऑब्वियसली कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे या कोई भी काम लेंगे तो हमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस आएंगे। Absolutely. तो वो चैलेंजेस में से भी हमें रास्ता निकालना है। Sure. हमें काफी समय हमारे जो सीनियर लोग हैं वो भी बोलते हैं कि वी हैव टू बी मेनी टाइम्स सेल्फ गाइडेड। कोई भी प्रश्न का हाँ या ना ऐसा क्लियर जवाब नहीं भी हो सकता है। तो उसमें जो हमें कोशिश करनी है कि हमें कैसे बैलेंस करके चीज को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमारे सबके लिए प्रायोरिटीज रहती है, फैमिली भी हमारी प्रायोरिटी है, फिर हमारे जो काम करते हैं वो भी प्रायोरिटी है, फिर हम जिन लोगों के साथ डील करते हैं तो हमारे परिचय भी बहुत सारे लोगों से होता है। तो अगर हम सबके साथ कोशिश करेंगे उनको समझने की, जानने की, उनके व्यूज को, और फिर हम एक कंसल्टेटिव मैनर में आगे बढ़ते हैं तो हमें जरूर अच्छा रिजल्ट मिलता है। Correct. तो हमारा जो अप्रोच है वो हम कोशिश करते हैं कि हर एक चीज़ को पॉजिटिव वे में लेने की कोशिश करते हैं। तो ये हम जहाँ भी जाते हैं तो हम ये चीज़ को कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। Correct. So rightly said. बिफोर आई टेक द फाइनल क्वेश्चन, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि बहुत ऐसे कम स्टेट्स हैं हमारे भारत में जिनको क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट अलग से दिया गया हो। तो वी आर लकी कि हमारे राज्य में, गुजरात में, क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट एक सेपरेट डिपार्टमेंट के हिस्से से काम करता है। तो इस हवाले से मैं सर ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जो आपके डिपार्टमेंट के सीनियर हायरार्की है, आप एज एन ऑनरेबल टेक्निकल एडवाइजर है, तो सीनियर हायरार्की से कितना सपोर्ट मिलता है, कितनी प्रेरणा मिलती है आपको? हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलता है और सीनियर लोगों का जो व्यू पॉइंट होता है जी, वो व्यू पॉइंट उनका खुद का नहीं होता है, वो उनके एक्सपीरियंस का होता है। राइट. क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है या जो हमारी ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप है वो भी बहुत लंबे समय से सिस्टम से जुड़े हुए रहते हैं, तो इनको और ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है। बट मैंने एक चीज़ देखी है कि सब में अगर कोई कॉमन है तो वो कनेक्ट विथ लास्ट माइल है। ओके. तो सब लोग जो कॉमनली अगर एक चीज़ सोचते हैं तो वो यही सोचते हैं कि हम 7 करोड़ जो गुजराती है उनके लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं, और हमारी जो पॉलिसी है वो हम ऐसे कैसे बना सकते हैं कि जिससे मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट पहुंचे, और इसकी अवेयरनेस में भी हम बहुत अच्छा एफर्ट लगाते हैं। करेक्ट. तो गुजरात तो
लकी है एज अ स्टेट कि वी हैव अ सेपरेट एंड डेडिकेटेड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट सिंस 2009। बट मैं अगर आपको बताऊं तो भारत सरकार ने सभी राज्यों को सपोर्ट किया है क्लाइमेट सेल बनाने के लिए। तो आज की तारीख में अगर हम देखें तो मोस्टली सभी स्टेट में कोई ना कोई एक सेल के तौर पे तो एक्टिव है ही, तो इसको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी मिल रहा है। बट हम इसलिए एक्स्ट्रा लकी है ऐसा मैं मानता हूँ क्योंकि हमारी जो लीडरशिप रही वो हमेशा कमिटेड रही क्लाइमेट चेंज के विषय में। तो हमने बहुत सोचा और फिर अगर आप देखें तो इंडिया में कोई भी स्टेट में आज की तारीख में भी कोई लेजिस्लेशन नहीं है क्लाइमेट चेंज का। तो सरकार में क्या होता है कि काफी समय लेजिस्लेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव विंग बनाई जाती है कि वो एनफोर्स कर सके। करेक्ट। बट हमने वॉलेंटरी लेवल पे क्लाइमेट एक्शंस किए हैं गुजरात में। तो हमें कोई ऐसा मैंडेट मतलब लेजिस्लेटिव मैंडेट जो हम बोलते हैं या एनफोर्समेंट या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस ऐसा कुछ नहीं मिला है। बट हमने वॉलेंटरीली काफी एक्शंस लिए हैं। राइट। वो फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए हो या रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए हो या तो फिर बच्चों में अवेयरनेस के लिए क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस का काम। तो ये सब में हमने इनिशिएटिव लेके वॉलेंटरी बेसिस पे एक्टिविज्म लाया है सिस्टम में। तो सब लीडरशिप में ये हमेशा कॉमन इंस्पिरेशन रहा है क्योंकि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हो या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हो तो इन्होंने भी क्लाइमेट के सब्जेक्ट को बहुत ही इम्पोर्टेंस देके ये जो मिशन है और जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जब सीएम थे गुजरात के और उनके जो इनिशिएटिव रहे तो हमने हर समय इसको ही आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की है क्योंकि उनकी जो उनके द्वारा दो किताबें लिखी गई है कन्वीनियंट एक्शन। एब्सोल्युटली। तो ये जो कन्वीनियंट एक्शन है वो इनकन्वीनियंट ट्रूथ के सामने है क्योंकि हमारा जो इनकन्वीनियंट जो हमें पसंद नहीं है ऐसा सत्य है क्लाइमेट चेंज। तो इसके सामने अगर हमारे पास कोई रास्ता है तो वो कन्वीनियंट एक्शन का ही है। तो हमने उसी ऑब्जेक्टिव को हमेशा आगे बढ़ाने की कलेक्टिव कोशिश की है और उस टीम का मेरे को एक पार्ट बनने का जो मौका मिला है तो मैं अपने आप को इसके लिए वेरी थैंकफुल समझता हूँ। राइट। नाउ आई एम गोइंग टू टेक द लास्ट क्वेश्चन। आई वुड लाइक टू नो व्हाट सॉर्ट ऑफ इंडिया do you visualize should be after 5 years or after a decade? कैसे भारत का निर्माण चाहते हैं हम? एक मुद्दे पे बहुत ही पॉजिटिव है। करेक्ट। और वो है इंडिया की एनर्जी इंडिपेंडेंस के मुद्दे। राइट। आज की डेट में इंडिया को मतलब 75 years हुए इंडिपेंडेंट हुए जी। बट एनर्जी के मामले में हम पहले से डिपेंडेंट रहे क्योंकि हमारा जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉसिल फ्यूल का। राइट। तो वो फॉसिल फ्यूल हम इंडिया में जितना जनरेट करते हैं इससे ज़्यादा हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। बट पंचामृत में और इसके बाद जो भी डेलिब्रेशंस हुए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के या भारत सरकार के मे बी थ्रू यूनियन बजट ऑफ 2022 तो मैं क्लाइमेट एक्शन के लिए 2022 के बजट को एक बहुत बड़ा माइलस्टोन मानता हूँ। तो इसमें क्लियर ये बताया गया है कि आने वाले 20 से 25 साल कि जब हम जिसको अमृत काल कह रहे हैं तो जब हम ये अमृत काल को पसार करते हुए आज़ादी के सेंटेनरी सेलिब्रेशन में हम पहुँचेंगे तो ये जो समय का जो कालखंड है इसमें भारत अगर कोई चीज़ को पाएगा तो वो एनर्जी इंडिपेंडेंस को पाएगा। तो एनर्जी इंडिपेंडेंस से क्या होगा कि सस्टेनेबल एनर्जी को भी बढ़ावा मिलेगा और जो हमारी फाइनेंशियल जो हमारा आउटले है एनर्जी के लिए
तो इसमें भी हम इंडिपेंडेंट होंगे. करेक्ट. तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांजिशन जो है इसको आने वाले समय में हम सब लोग विजुलाइज करने वाले हैं, देखने वाले हैं. तो इसमें भारत जो है वो एनर्जी के लिए इंपोर्टर की बजाय एनर्जी का एक्सपोर्टर भी बने तो ये भी संभावना रहेगी. तो कलेक्टिवली अगर हम सब लोग काम करेंगे एनर्जी स्टोरेज में, ग्रीन हाइड्रोजन में, रिन्यूएबल एनर्जी के हार्नेसिंग में, और जो हम हमारे प्रधानमंत्री ने पेरिस समिट के दौरान इंटरनेशनल सोलर अलायंस को जो मोटिवेट किया है, तो मैं ज़रूर ये मानता हूँ कि जो इनकी सोच है वो यही विज़न के साथ है. और मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ कि हमें एनर्जी इंडिपेंडेंस भी जो है वो आने वाले समय में प्राप्त होगी. और जो नेट ज़ीरो की हमारी जो ख्वाहिश है तो वो बहुत ज़रूरी है पृथ्वी को बचाने के लिए. तो सभी कंट्रीज जो है वो अपने अपने तरीके से नेट ज़ीरो के लिए काम कर रहे हैं. बट मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि इंडिया एज अ कंट्री वुड डेफिनेटली लीड इन दिस मूवमेंट ऑफ बीइंग नेट ज़ीरो एज अ कंट्री, एंड ऑल्सो इट विल इन्फ्लुएंस अदर कंट्रीज टू डू सो. With this, I would like to wrap up this program. Thank you so much for joining us. Dear viewers, we were in conversation with the Honorable Technical Advisor, Mr. Shwetal Shastar from the Climate Change Department, Gandhinagar, Gujarat. Thank you so much for joining us with us. Thank you. Most welcome.